स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 3, वाटर वाटर एवरीवेयर। दिस चैप्टर इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर डे टू डे लाइफ। ये चैप्टर पानी के बारे में है। हम सब जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। We all know that 75% Earth's surface is covered by water, and water is very important for all living beings. Let us start with activity 1 for knowing the importance of water in everyone's life. This unit is about the water that is necessary for life on our planet. Look at the picture. Write the names of as many objects as you can. यहाँ पे जो पिक्चर दिया है उसमें से हमें जो ऑब्जेक्ट्स शोन किया है यहाँ पे उसके नेम्स लिखने हैं. So you can see that sun, clouds, rain, sea and water evaporation. यहाँ पे sun है, clouds है, rains है, sea है, then water evaporation. What is happening to the water in the picture? इस picture में क्या हो रहा है? In this picture, it shows about the water cycle. इस picture में water cycle दिखाई दिया है. What is water cycle? क्या है water cycle? Owing to the terrible heat of the sun, the water in the ocean evaporates and goes up in the air to form clouds. सूरज की गर्मी से जो वाटर है वो हीट होता है और इवेपरेट होते हुए ऊपर की ओर जाते हैं. देन इट कंडेंस्ड इनटू क्लाउड. उसके बाद वो क्लाउड बन जाते हैं. इट बिगिंस रेन. आफ्टर दैट इट बिगिंस रेन. क्लाउड बनने के बाद बारिश गिरती है. वंस मोर द फॉलन रेन मेक्स स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड रीच द ओशन. बारिश गिर के रिवर में जाता है वो पानी, वहाँ से फ्लो होके ओशन. यही सेम प्रोसीजर रोटेट करते हैं. दिस इज हाउ द वाटर साइकिल कंप्लीट्स. यानी पहले वाटर वेपर रिवैपरेट होता है ड्यू टू द हीट ऑफ सन, देन इट मेक कंडेंस्ड to form the cloud, after that it begins rain, and fallen rain makes streams and river and reach the ocean. This is how the water cycle completes. Come with activity 2, water boy part 1. By the example of the boy Vijay, we will learn the importance of water. इस एक्टिविटी में जो बच्चा है विजय, उसके थ्रू हम वाटर की जो इम्पोर्टेंस है उसको जानेंगे. विजय liked to play with water. He liked to play with water in many ways. विजय को पानी में खेलना बहुत पसंद था और वो पानी में अलग अलग तरीके से खेला करते थे. He liked to fill up a big tub with water and play with his toy boat in there. वो बड़े टब में पानी भरकर उसके अंदर अपना टॉय बोट रखकर खेला करते थे.
liked to make big mud puddles in the garden and pretend it was a lake. Mud yani kichad. Puddles means a small pool of dirty water. विजय जो है कीचड़ से एक छोटा सा लेक जैसा बनाते थे और उसके अंदर खेलते थे. He liked to open the hose and flash his friends when they walked by. जब भी उनके दोस्त उधर से गुजरते थे तो वो होस को ओपन करके पानी उनके फ्रेंड्स के ऊपर डाला करते थे. His mother told him many times not to waste water, but he did not listen. विजय की मदर ने बहुत बार विजय को समझाया था कि पानी को हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर विजय उनकी बात नहीं सुना करते थे. One day his mother decided to take him with her to visit her brother. एक दिन विजय की मदर ने डिसाइड किया कि विजय को लेके वो अपने भाई के घर जाएंगी. विजय's अंकल स्टेड इन अ स्मॉल विलेज. विजय के अंकल एक छोटे से विलेज में रहते थे. विजय वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिकॉज ही वुड बी एबल टू प्ले विथ हिज कजिन्स. विजय को वहाँ जाना बहुत पसंद था क्योंकि वो अपने वहाँ जाके अपने कजिन्स के साथ खेलना पसंद करते थे. विजय एंड हिज मदर अराइव्ड एट हिज अंकल्स प्लेस लेट एट नाइट एंड विजय वेंट ऑफ टू स्लीप. विजय और विजय की मदर उनके अंकल के घर बहुत देर से पहुंचे थे और पहुंचते ही विजय सो गए. सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट विजय वॉक अप. वॉक अप यानि उठ जाना. अचानक रात को विजय उठ गए. देर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड हिज रूम. विजय कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई सो मैनी पीपल्स वेर अवेक एट नाइट, बट ही वॉज वेरी टायर्ड. वेरी सून ही फेल बैक टू स्लीप. There was a lot of noise outside his room. विजय के रूम के बाहर से बहुत जोरों से आवाज़ सुनाई दे रही थी. विजय could not understand why so many peoples were awake at night. विजय को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर रात तक लोग क्यों जग रहे हैं. But he was very tired. Tired यानि थक जाना. विजय बहुत थक चुके थे इसीलिए वो जल्दी से वापस सो गए. फोर वॉटर बॉय पार्ट टू. द नेक्स्ट मॉर्निंग विजय गॉट अप एंड वेंट टू द बाथरूम. दूसरी सुबह विजय उठकर बाथरूम गए. व्हेन ही ओपन द टैप देयर वॉज नो वॉटर. जब विजय ने टैप को ओपन किया तो उसमें पानी नहीं आ रहा था. ही लुक्ड अराउंड एंड फाउंड वाटर स्टोर इन मैनी बकेट्स. उन्होंने इधर उधर देखा तो वहाँ पे बहुत सारे बकेट्स में पानी स्टोर किया हुआ रखा था. ही वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हिज कजिन अबाउट इट. ये देखकर विजय सरप्राइज्ड हुए और उन्होंने अपने कजिन से इसके बारे में पूछा. हिज कजिन राजेश एक्सप्लेन दैट देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर. उनके कजिन राजेश ने बताया विजय को कि वहां पे कहीं भी पानी नहीं है. इट हैड नॉट रेन फॉर अ कपल ऑफ इयर्स एंड ऑल द लेक्स हैड ड्राइड अप. राजेश ने बताया कि कुछ सालों से वहाँ बारिश नहीं हुई है, इसके कारण वहाँ के सारे तालाब सूख चुके हैं. ड्राइड अप यानि सूख जाना. दे हैड टू डिपेंड ऑन सम वाटर दैट केम फ्रॉम वन टैप एंड दे हैड टू कीप अवेक
टू सी दैट दे डिड नॉट मिस इट हैज़ इट कुड कम एनी डे एंड एनी टाइम। विजय की कज़िन राजेश ने बताया कि वहाँ पे गांव में एक टैप है, नल है, जिसमें से कभी कभार पानी आता है, इसीलिए उन्हें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उस पानी को ना मिस करें, क्योंकि वो पानी कब आता है और किस टाइम पे आता है उनको नहीं पता है। लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगेन। रात को, लास्ट नाइट को पानी आया था बहुत दिनों के बाद, अब पता नहीं कितने दिनों के बाद वापस पानी आएगा। टिल देन दे वुड हैव टू ओनली यूज द वाटर दे हैड कलेक्टेड इन द नाइट। तब तक उन लोगों को वही पानी जो रात को भरा है उसको यूज करना होगा। राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल एंड नॉट टू वेस्ट वाटर। राजेश ने विजय से कहा पानी का उपयोग बहुत कम करना और उसे बिगाड़ना नहीं है। इफ द फैमिली रन आउट ऑफ वाटर दे वुड हैव टू बाय वाटर फ्रॉम समवन एल्स एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर उनके फैमिली में पानी ख़त्म हो जाता है तो उन्हें पानी दूसरे लोगों से खरीदना पड़ता है और उसके लिए उनको पैसे भी देने पड़ते हैं। राजेश गेव विजय सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेज टू यूज वाटर वाइसली। राजेश ने विजय को कुछ एग्जाम्पल्स बताए कि पानी को कैसे यूज किया जाना चाहिए। ही गेव विजय अ ग्लास ऑफ वाटर एंड टोल्ड हिम टू यूज इट फॉर ब्रशिंग हिज टीथ। राजेश ने विजय को एक ग्लास पानी दिया और कहा तुम्हें इस पानी से ब्रश करना है और वॉश करना है। ही टोल्ड विजय टू मेक अ बाथ विथ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बकेट और ये कहा कि तुम्हें बहुत ही कम पानी लेना है स्नान करने के लिए। He told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used again later. और ये भी कहा पानी जो सेव किया है उसे रखना होगा for washing the clothes कपड़े धोने के लिए। Vijay was surprised. He had never imagined that there could be a place where water was so scarce. ये सब सुनकर विजय चौंक गए। उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की इतनी कमी होगी। His cousin laughed at Vijay and said, Vijay, you use too much water every day. विजय की कजिन हंसते हुए कहते हैं विजय तुम बहुत पानी यूज करते हो हर रोज। सून देयर विल बी लेस रेन एंड यू मे हैव द सेम प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग नाउ। यू शुड लर्न टू सेव वाटर। राजेश ने विजय को बताया कि अब बारिश भी कम हो रही है, इसके वजह से हमें फ्यूचर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, इसके लिए हमें वाटर को सेव करना आना चाहिए। वाटर इज सो इम्पॉर्टेंट टू पीपल दैट इट हैज़ इंस्पायर्ड आर्ट सॉन्ग्स एंड पोएम्स। पानी इतना महत्व के लिए कि इसके वजह से इसमें बहुत से लोगों ने इंस्पायर्ड होते हुए songs, arts and poems likhe hai. Here is a poem about water by Mary Oliver. Pani ke bare mein Mary Oliver naam ki ek poet ne
पोयम लिखी है। मैरी ओलिवर इज ए वेल नोन अमेरिकन पोएट हु लव्स वाटर। मैरी ओलिवर जो है वो अमेरिकन पोएट है, उनको पानी से बहुत लगाव था। शी लिव्स नियर द ओशन। वो ओशन के पास रहा करती थी। एंड राइट्स मैनी सिंपल बट ब्यूटिफुल पोएम्स अबाउट द नेचर्स अराउंड हर। वो वहाँ रहकर बहुत से सिंपल और बहुत अच्छे पोएम्स लिखा करती थी अबाउट द नेचर। शी राइट्स अबाउट शोर बर्ड्स, वाटर स्नेक्स, हम्पबैक व्हेल्स, द पॉन्ड्स एंड द हार्बर वेयर शी लाइक्स टू टेक वाटर पॉन्ड मैरी ओलिवर। दिस पोएम वॉज ब्यूटिफुली रिटन बाय मैरी ओलिवर। एट ब्लैक वाटर पॉन्ड द टॉस्ड वाटर्स हैव सेटल्ड आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन। आई डिप्ड माय कप्ड हैंड्स, आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम। It tastes like stone leaves fire. It falls cold into my body, waking the bones. I hear them deep inside me, whispering, "Oh, what is that beautiful thing that just happened?" Now this is a poem which is written by Mary Oliver. इस poem का नाम है At Blackwater Pond. मतलब ये जो poet है वो ये pond के किनारे है। वो pond का नाम क्या है? Blackwater Pond. कल रात बारिश हुई थी जिसके बाद में पॉन्ड का जो पानी है वो अब थम गया है, सेटल हो गया है। पोएट उसमें अपने हाथ डालती है और उसका पानी पीती है। उसका पानी कैसा है? ठंडा है। और उसने इसमें दिया है कि उसको वो टेस्ट कैसा लग रहा था पॉन्ड के पानी का, जैसे कि सब कुछ मिला हुआ हो, जैसे स्टोन लीव्स और फायर। फायर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि पानी जब ज़्यादा ठंडा होता है तो यू फील एक लहर सी उसमें उठती है, ठीक है, बहुत ठंडा पानी हो तो। उसने जब पिया तो उसकी बॉडी में वो जो कोल्ड था पानी, वो जो ठंडक थी पानी की, वो उसने अपनी बॉडी में फील की, जो कि बहुत अंदर तक उसके अंदर गई और बोला कि अभी जो तुमने पिया वो क्या था, वो जो खूबसूरत सी चीज़ थी जो अभी बॉडी में हुई वो क्या थी। आप भी अगर बहुत देर के बाद में अगर ठंडा पानी पीते हो, एकदम चिल्ड पानी पीते हो, तो यू कैन फील दैट द वाटर इज़ गोइंग बिन इनसाइड यू, डीप डाउन इनसाइड यू, एंड यू विल फील दैट देयर ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर टोटल कितना पानी है? देयर इज़ अलॉट, बहुत सारा, समथिंग लाइक 1260 ट्रिलियन लीटर्स कैन बी फाउंड ऑन अवर प्लैनेट। इतना पानी, इतना लीटर पानी, ट्रिलियन पानी हमको मिलता है हमारे प्लैनेट पर। दिस वाटर इज़ इन अ कांस्टेंट साइकिल। ये जो वाटर है ये एक कांस्टेंट साइकिल के ऊपर चलता है। इट एवोपरेट्स फ्रॉम द ओशन, ओशन में से उड़ जाता है, एवोपरेट होता है, ट्रेवल्स थ्रू द एयर, एयर में चलता है, रेन्स डाउन ऑन द अर्थ, रेन के फॉर्म में अर्थ पे गिरता है, एंड फ्लोज बैक टू द ओशन, और वापस ये ओशन में चला जाता है। तो ओशंस आर ह्यूज, ओशंस बहुत बड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड इन ओशन, ज़्यादातर जो अर्थ है वो ओशन से कवर्ड किया हुआ है, करा हुआ है। 98% ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट इज़ इन द ओशंस। 98% जो धरती का पानी है वो ओशंस में है, एंड देयरफॉर इट इज़ अनड्रिंकेबल, इसलिए वो हम पी नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द सॉल्ट। ओशन का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है, इसलिए हम उसे पानी, उसका पानी पी नहीं सकते। ओनली अबाउट 2% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर इज़ फ्रेश। सिर्फ 2% जो पानी है धरती का वो ही खाली फ्रेश वाटर है और वही हमारे ड्रिंकिंग और बाकी चीज़ों के काम आता है। बट 1.6% ऑफ द प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज़ ब्लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। अब ये 2% में से भी 1.6% जो पानी है वो लॉक हो गया है पोलर आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स के फॉर्म में। अनदर 0.36% इज़ अंडरग्राउंड इन वेल्स। बाकी में से भी 0.36% कहाँ है? वेल्स में है, वेल्स के नीचे है।
ओनली अबाउट 0.036% ऑफ द प्लैनेट्स टोटल वाटर सप्लाई इज फाउंड इन फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स. सिर्फ 0.036% जो है टोटल प्लैनेट का वाटर जो हमें मिलता है थ्रू लेक्स एंड रिवर्स. द स्मॉल परसेंटेज इन लेक्स एंड रिवर्स इज स्टिल मैनी ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स. ये स्मॉल परसेंटेज भी जो है वो काफ़ी सारे ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स है, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू ऑल द वाटर इन द होल वर्ल्ड. वैसे ये बहुत सारा पानी है, बहुत सारे ट्रिलियन ऑफ लीटर्स पानी है, लेकिन अगर हम पूरे अर्थ में जितना भी पानी है उससे कंपेयर करें तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है. द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट दैट इज 0.004% इज आइदर फ्लोटिंग इन द एयर एज क्लाउड्स एंड वाटर वेपर और इज लॉक्ड अप इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो इसका 0.004% पानी है वो या तो हवा में फ्लोट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स और या तो फिर वाटर वेपर के रूप में या फिर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर है. डिड यू नो दैट योर बॉडी इज 65% ऑफ वाटर. क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी का 65% जो है वो पानी है. दैट मीन्स इफ यू वे 30 kilograms 19.5 kilograms ऑफ यू इज़ वाटर. अगर आपका वजन 30 kg है तो उसमें से 19.5 kg सिर्फ पानी है. क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पैसेज आर हाउ मच वाटर इज देयर. सो दिस वॉज द एक्टिविटी 9. आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Read water water everywhere carefully and show your understanding by matching the place in the pie chart with the correct colors. So आप लोगों को अपने notebooks में ऐसे एक pie chart बनाना है और आपको जो दिए गए हैं नीचे यहाँ पे देखिए. Match the chart color with its place. One is done for you. यहाँ पे हमारे लिए एक examples दिया गया है. You can see the red one. It is lake and rivers. ऐसा ही आपको जो बाकी है like blue for underground water, then green for ocean, black for polar ice caps, and the other for people, animals, plants. So you have to make this chart on your notebook. Hope you all like the video. Thank you.